औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको पता ही है कि एफ इंग्लिश का कोर्स, एफएफएससी की इंग्लिश का कोर्स शुरू हुआ, तो चलिए हम कोर्स को शुरू करते हैं। कोर्स में हम एफएफएससी की जो इंग्लिश है उसकी जो बुक वन है उसकी शॉर्ट स्टोरीज कर रहे हैं और उसके मुकम्मल सवाल और जवाब तो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं। आज चैप्टर नंबर 10 है, ए बिल्ड अटैक ऑफ लुकर्स, इसका मतलब है कि टिड्डी दल का मामूली हमला। सवाल नंबर 1 है, व्हाट आर, क्या है लुकर्ट्स, टिड्डी दल, व्हाट आर लुकर्ट्स, टिड्डी दल क्या है? इसका जवाब है, लुकर्ट्स आर समाल, लुकर्ट्स यानी टड्डी दल समाल, छोटे छोटे आर हैं, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, विच जो के फ्लाई उड़ते हैं, इन लार्ज बड़े, लार्ज में नहीं बड़े, फ्लाई में नहीं उड़ते हैं, ग्रुप्स ग्रुह में, एंड ईट और खाते हैं, क्रॉप्स फसलें। आप हमेशा छोटे छोटे लफ्जों के मैंने जरूर याद रखे, आर हमेशा जहां भी आता है वो उसके मैनी हैं में होते हैं, ज्यादा चीजों के साथ लगता है। समाल जहां भी आएगा समाल छोटे के मैनी में आएगा, विच ना विच जहां भी आएगा उसका मैनी जो के होगा, फ्लाई उड़ने में आता है और इन में किसी चीज के अंदर को इन से जाहिर किया, लार्ज बड़े, ग्रुप्स ग्रो एंड और ईट खाना, क्रॉप्स फसलें। टिड्डी दल छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े हैं जो के बड़े गिरोह में उड़ते हैं और फसलें खाते हैं, इसका ये तर्जमा होगा। इसके बाद सवाल है, व्हाई डिड द फार्मर, किसानों ने क्या किया, थ्रो वेट, किसानों ने क्या किया, थ्रो वेट लीव्स ऑन द फायर, किसानों ने सब्ज पत्ते क्यों फेंके, फायर आग, आग में, ऑन द फायर आग में। इसके जवाब है, द फार्मर थ्रू वेट लीव्स, फार्मर किसानों ने पत्ते फेंके आग में, ऑन द फायर, मेक टू मेक बनाने के लिए, टू एक्रेट एंड ब्लैक स्याह और कड़वा, किसानों ने आग में पत्ते, सब्ज पत्ते इसीलिए फेंके ताकि जो हवा है वो स्याह और कड़वी हो जाए, यानी हवा कड़वी हो जाएगी, धुआं सा बन जाएगा और लुकर्ट्स यानी टिड्डी दल भाग जाएगी। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, व्हाट वाज, क्या था डिजायर, ख्वाहिश ऑफ द एवरी फार्मर, हर किसान की, फार्मर किसान एवरी हर, इसके जवाब है, एवरी फार्मर डिजायर्ड, हर किसान की ख्वाहिश थी, टू से बचाना हिज अपनी, क्रॉप्स फसलें, फराम से अटैक हमला, आप से आपका लुकर्ट्स टिड्डी दल, हर किसान की ख्वाहिश थी कि वो अपनी फसल को टिड्डी दल के हमले से बचाए। डिड मार्गरेट, क्या मार्गरेट, नो जानना, व्हाट टू डू के क्या करे, टू कीप द लुकर्ट्स अवे, टू कीप द लुकर्ट्स अवे कि इनको टिड्डी दल के हमले को कैसे रोका जाए, क्या मार्गरेट को टिड्डी दल को दूर रखने का कोई तजर्बा था, जिसके जवाब है, मार्गरेट डिड नॉट नो, मार्गरेट नहीं जानती थी हाउ टू कीप के कैसे बचाया जा सके, कैसे महफूज रखा जा सके लुकर्ट्स अवे फ्रॉम क्रॉप्स के फसलों को, टिड्डी दल के हमले से कैसे बचाया जा सके। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है,
What was condition? What was kya thi? Condition halat of the trees, drakhton ki. Trees were in bad condition. Drakht buri condition mein the, buri halat mein the. They were the full of locusts. Full yani bhare hue the of locusts. Tiddi dal se. Drakht tiddi dal se bhare hue the. Yani un par tiddi dil itne baithe hue the ki drakht bilkul bhare hue the. Their branches. उनकी शाखें वार थी विज्ड टू दी ग्राउंड यानी मैदान में झुकी हुई थी दरख्तों की हालत बुरी थी वो फूल भरे हुए थे टिड्डी दल से और उनकी शाखें झुकी हुई थी और उनकी शाखें झुकी हुई थी। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास हाउ डिड ओल्ड स्टीफन treat the three locusts which he found on his shirt. ये क्वेश्चन नंबर 6 है। बूढ़े स्टीफन ने भटकी हुई टिड्डी का क्या इलाज किया? ट्रीट इलाज करना स्ट्रे स्ट्रे के मैंने को कहते हैं भटकी हुई जो चलते चलते राह भटक जाती है इसे भटकी हुई कहते हैं। ओल्ड स्टीफन बूढ़े बूढ़े स्टीफन ने पकड़ा द लुकर्स टिड्डी दल को ऑन हिज शर्ट और अपनी शर्ट से नेल अप एंड स्प्लिट इन टू द पीसेस और उसे दो टुकड़े किया विद हिज थंब नेल और अपने अंगूठे से यानी अपने अंगूठे से नाखूनों से उसने नेल के मैंने दस अंगूठे के नाखूनों से उसने उसके दो टुकड़े कर दिए। क्वेश्चन नंबर 7 आर होपर्स डिफरेंट फ्रॉम लोकल्स ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है इसका तर्जमा है क्या होपर यानी जो उछलने वाली है होती है जिस तरह मेंढक उछल उछल कर चलती है उसे फुदकना कहते हैं तो इसका तर्जमा है क्या फुदकने वाली टिड्डियां दूसरों से मुख्तलिफ थी डिफरेंट मुख्तलिफ फ्रॉम से लोकल्स टिड्डी दिल इसका तर्जमा है इसका आंसर है होपर्स आर डिफरेंट फ्रॉम लुकर्स दे आर समाल होपर्स आर फुदकने वाली टिड्डियां फ्रॉम लुकर्स दूसरी टिड्डियों से मुख्तलिफ थी दे आर समाल वो छोटी थी एंड टाइनी टाइनी मतलब जो बिल्कुल बारीक सी हो क्रिएचर एंड आर लेस हार्मफुल फॉर क्रॉप्स एंड आर लेस हार्मफुल फॉर क्रॉप साइज में भी छोटी थी और फसलों के लिए ज्यादा नुकसानदेह थी हार्मफुल नुकसानदेह फॉर क्रॉप फसलों के लिए फार के लिए क्रॉप फसलें। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है डिड मार्गरेट क्या मार्गरेट लूज हार्ट हौसला हार बैठना ऑन द लॉस ऑफ क्रॉप ऑन द लॉस ऑफ क्रॉप लॉस में नहीं नुकसान क्या मार्गरेट फसलों के नुकसान पर हार हौसला हार बैठी इसका जवाब है मार्गरेट वार टू अपसेट मार्गरेट बहुत ज्यादा अपसेट थी टू थिंक ये सोचकर आप द लुकर्ड टिडी दिल्स के बारे में हाउएवर ताम शी ट्राइड उसने कोशिश टू गेट यूज द आइडिया ऑफ उसने एक आइडिया लाया टू लुकर्ड्स टिडी दिल के बारे में इन द फ्यूचर एज वेल यानी उसने मुस्तकबिल में इनसे बचने का कोई तरीका सोचा। Why are locusts compared with bad weather? Why क्यों are locusts locusts यानी टिड्डी दिल का compared मुकाबला किया जाता है with साथ bad बुरा ये हमेशा याद रखें b a d bad बुरा b e d bad बिस्तर होता है बहुत से लोग इससे भूल जाते हैं b a d bad बुरा weather मौसम टिड्डी दल का बुरे मौसम से क्यों कंपेयर किया जाता है इसका जवाब है लुकर्ट्स आर कंपेयर्ड विद बैड वीदर टिड्डी दिल का बुरे मौसम से इसलिए मवाजना किया जाता है या मुकाबला किया जाता है बिकॉज क्योंकि बात दोनों आर हैं हार्मफुल खतरनाक नुकसानदेह फॉर क्रॉप फसलों के लिए इसलिए बुरे
मौसम का और टिड्डी दिल का मुकाबला किया जाता है क्योंकि दोनों फसलों के लिए बहुत बुरे हैं। नेक्स्ट सवाल है, व्हाई डिड द मैन ईट सुपर फेट देयर गुड एपिटीज। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका तर्जमा है, मर्दों ने शाम का खाना सही रगबत से क्यों खाया। मैन एट सुपर वेद गुड पीटीज, सुपर के मैन होते हैं शाम का खाना, गुड पीटीज इसलिए रगबत से खाया, बिकॉज क्योंकि दे थॉट, उन्होंने सोचा दैट इट कुड हैव बीन वर्स, उन्होंने सोचा कि ये हो सकता है ये आखिरी खाना हो। बस तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारी वीडियो देखी। तो इसी वीडियो के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और साथ घंटी को भी दबाएं ताकि हमारा आ आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और अपनी कीमती राय आखिर में जरूर दें ताकि आने वाली वीडियोस को बेहतर बनाया जाए। आपका खैर अंदेश तौकीर हसनैन। मेरा नंबर इस पूरी वीडियो में दो तीन जगह पे दिखाया गया है, आप कोई भी बात कोई भी राय अपनी मैसेज करके भी दे या पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी इजाजत के साथ, इसी वीडियो के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह आप सबको कामयाब करे और आपको तरक्की दे।